विपक्ष का जो हथकंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज में जाके बदनाम करने का, तो वो कहीं ना कहीं हम भी उसमें मान लो भ्रमित थे उस चीज में। इतने भी भ्रामक ये लोग फैलाते हैं विपक्ष के, तो ये सब गलत है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। और जितना सम्मान उन लोगों ने दिया आज तक किसी पार्टी में, इतना सम्मान। निर्दलीय जीत गए, जीतने के बाद तब से ही हम ये सोच रहे थे कि हमने मान लो किस पार्टी में जाएं, तो हमारे जो समर्थक हैं शुरू में ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में। जब प्राण प्रतिष्ठा अब हुई, बहन जी को ये बताने गए थे तुम्हारी पार्टी के जो तुमने यहाँ प्रभारी बना रखे ये लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं वहां से। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमें इतना सम्मान दिया, दो उप मुख्यमंत्रियों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी ज्वाइनिंग कराई, तो यही बहुत बड़ा सम्मान है। नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव के बाद चिलकाना सुल्तानपुर में जहां भाजपा के सिंबल पे एक मुस्लिम समाज से जुड़े व्यक्ति ने चुनाव लड़ने का और जीतने का काम किया है, वहीं अभी हाल ही में नरोत्तम नगर पंचायत से चेयरमैन प्रतिनिधि अफजाल खान ने भी भाजपा को ज्वाइन करने का कार्य किया है। बातचीत करेंगे, जानेंगे बीजेपी में आने की इनकी वजह क्या है। जी अफजाल खान जी, आपका जी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। भाजपा ज्वाइन कर आपने जो है नई पारी की शुरुआत की है, क्या वजह रही है बीजेपी में अब आपके आने की? पहली बार आप बीजेपी ज्वाइन की है, मुस्लिम समाज कम ही बीजेपी में वास्ता रखता है, अब आप बीजेपी में, वजह क्या रही है इसकी? ऐसा है, वजह बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका हमको मान लो लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान लो सबको साथ ले कर चल रही, तो और सब जनहित की जितने भी योजनाएं हैं, चाहे आवास की है, चाहे आयुष्मान की है, चाहे पीएम निधि की है, चाहे मान लो जितनी भी योजनाएं चल रही, इन सब में ना कोई भेदभाव देखा जा रहा। और रही बात विपक्ष का जो हथकंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज में जाके बदनाम करने का, तो वो कहीं ना कहीं हम भी उसमें मान लो भ्रमित थे उस चीज़ में। लेकिन हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी में गए, नेताओं से मिले, मान लो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम विजय पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, तो इनसे सबसे मुलाकात होने के बाद ये लगा कि ये सब जितने भी भ्रामक ये लोग फैलाते हैं विपक्ष के, तो ये सब गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। और जितना सम्मान उन लोगों ने दिया आज तक किसी पार्टी में, इतना सम्मान। मैं आपको थोड़ा अतीत में लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। पिछली बार जब आप चेयरमैन थे, इससे पिछली वाली योजना में आप चेयरमैन थे, बीच में एक योजना दूसरे विपक्षी आपके रहे हैं, जब आप थे तो आपने जैसे समाजवादी पार्टी के सरकार में ज्वाइनिंग करने का काम किया, क्या सरकार में चेयरमैनी अच्छे से चलती है, ऐसा कुछ आप मानते हैं? नहीं, जब उस टाइम पे तो यही था कि मान लो सरकार में जाके विकास करवाने वाली बात है, क्योंकि उस सरकार में पार्टी का जो मान लो चेयरमैन थे उनमें और दूसरी पार्टी के चेयरमैनों में भेदभाव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमें मान लो जो बजट के लिए हमने फाइल भेजी, तो उसमें मान लो माननीय विधायक जी चौधरी किरत सिंह, माननीय मंत्री जसवंत सैनी जी, सांसद प्रदीप चौधरी जी, तो ये सब लोग मान लो हमारी मदद पहले ही कर रहे हैं, तो योजना तो पहले भी आ रही। तो मान लो उन्होंने कभी विकास के लिए ये नहीं कहा कि आप मान लो निर्दलीय हैं या आप बहुजन समाज पार्टी के हैं, हम आपको लेटर नहीं देने, आपके यहाँ विकास नहीं होना। और वहाँ जो हमारे मंत्री जी हैं ए के शर्मा जी, वे भी कोई मान लो भेदभाव वाली बात नहीं करते। तो इस बार तो कोई ऐसा मामला है नहीं कि विकास की कोई दिक्कत आ रही, विकास तो चारों तरफ होगा। जय बीजेपी तय बीजेपी, और मान लो हम बीजेपी के एजेंडे में आए हैं और बीजेपी के लिए पूरा वोट मतलब काम करेंगे, और अपनी कौम के लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये बीएसपी और दूसरे लोग हैं, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, ये जिस तरह आप लोगों को गुमराह करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। वहाँ सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे और उसको वोट में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, यही जिम्मेदारी दे के हमको मान लो भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है। हम भारतीय जनता पार्टी में गए, पार्टी के लिए काम करना है, और समाज के लोगों को जो वोट भारतीय जनता पार्टी के मान लो स्थिति ऐसी है कि भाई लोगों को भ्रामक करके छिटकाने का काम कर रहे, उस वोट को इकट्ठा करना है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना। कहीं प्राण प्रतिष्ठा तो वजह नहीं रही, आप जो बीजेपी में आए हैं उसकी वजह से कहीं आपको मन में लगा कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से बीजेपी में आना चाहिए? जब मैं चेयरमैन बना था, जब मुझको टिकट नहीं मिला, मैं आप मुझे जानते हैं, मैं समाजवादी पार्टी में था,
समाजवादी के नेताओं ने जो बीएसपी से ऑलरेडी चेयरमैन थे उनके लिए घोषणा कर दी थी भाई उनको हम चुनाव लड़ाएंगे चेयरमैनी का। तो हमने सोचा भाई भाई सपा से लड़ेंगे तो हम बीएसपी से लड़ लेंगे। बीएसपी में आपको भी मालूम है कि क्या हुआ है, वहाँ पैसे के अलावा कुछ चलता नहीं। उसके बाद फिर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना, निर्दलीय जीत गए। जीतने के बाद तब से ही हम ये सोच रहे थे कि हमने मान लो किस पार्टी में जाएं। तो हमारे जो समर्थक हैं शुरू में ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में, जब प्राण प्रतिष्ठा अब हुई, चुनाव 8 महीने पहले हुआ था, लेकिन उसी टाइम हमारे लोगों ने तय कर लिया था कि हमने भारतीय जनता पार्टी में जाना है। और जो भी प्रदेश लेवल के नेता हैं, जहाँ भी हमने जो भी मान लो आवेदन देना था, हमने शुरू में ही दे दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिस्टम की पार्टी है और सिस्टम से चलती है। जब ऊपर से उनको आदेश हुआ कि ज्वाइनिंग कराओ जो पार्टी में आना चाहते हैं, तो अब आके उन्होंने मान लो हमें कहा तो हम चले गए। समर्थकों का मन भी रहा है कि बीजेपी में जाना चाहिए, तो समर्थकों की आपने बात मानी है। लेकिन चुनाव की जीत के बाद आप बहन जी के दरबार में पहुंचे थे, उस मुलाकात के मायने क्या थे? उस मुलाकात के मायने थे, बहन जी को ये बताने गए थे तुम्हारी पार्टी के जो तुमने यहाँ प्रभारी बना रखे ये लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं वहां से, ये बताने गए थे। वो इस बात पे मुस्कुराई, कोई कार्रवाई तो की नहीं, तो हम समझ गए कि लुटाई तो इशारे पे हो रही, पार्टी माया से चलती है, ये कहना चाहते हैं पार्टी माया से चल। बस हम समझ गए जब एक आदमी को मान लो उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी को कुछ लोग हमारी सिफारिश में जाके जो कह रहे कि अफजल खान चुनाव जीतेंगे, तो ये कह रहा है कि एक आध सीट से क्या फर्क पड़ता है। तो जब नियत जो है एक आध सीट से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर और जो पैसे देगा ज्यादा उसको टिकट मिलेगा। हम तो गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमें इतना सम्मान दिया, दो उप मुख्यमंत्रियों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी ज्वाइनिंग कराई, तो यही बहुत बड़ा सम्मान है। अफजल खान साहब आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज आपके जब बड़ा तबका में विश्वास रखता, समर्थक आपके बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, चुनाव में भी आपको जो हमेशा सपोर्ट करने का कार्य रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन मुस्लिम समाज को वोट में कैसे तब्दील करने का काम अफजल खान करेंगे? देखिए मैंने अपना टारगेट बना रखा है, मुझको वोट मिले थे 6,000, तो और यहाँ बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 4,000 वोट मिलता है, तो मैं कम से कम इसे 6 को मान लो 6,000 ला के 10,000 करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश मतलब पूरी करूँगा। अगर कुछ कमी बेसी भी रही तो दुगने का मैं पूरी गारंटी दे रहा कि दुगना वोट करने का काम करूँगा। मुझे विश्वास है जब मान लो बिना दल के लोग मुझे वोट दे सकते हैं। मैंने उन्हीं लोगों से तो बातचीत की पार्टी, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में ऐसे एक बार चला गया, मैंने जीतने के बाद से ही लगातार मीटिंग करके ये बार बार मन टटोलने की कोशिश कर रहा अपने लोगों की। तो उन सब लोगों ने कहा मैं तभी गया हूँ, कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। कभी मीटिंग में ऐसी आवाज भी आई है नहीं कि बीजेपी से हमारा मन नहीं मिलता है, नहीं बीजेपी में जाना चाहिए? सभी समझते हैं कि एक मुश्त एक तय करके बोले कि नहीं जी हमें बीजेपी में जाना चाहिए। ऐसा है एक दो समर्थकों ने सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई कि भविष्य की राजनीति के बारे में, कि कल को टिकट ना हो आपको चेयरमैनी का, ये मान लो पार्टी में टिकट ना मिले। तो हमने उसके बारे में जो कहा कि जो पार्टी करेगी, जब जिस पार्टी में जाना है तो उस पार्टी की नीति के हिसाब से चलना है, टिकट मिलेगा लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। तो क्या अफजल खान की जय भाजपा तय भाजपा और हमेशा भाजपा रहेगी? हमेशा भाजपा रहेगी, पक्का पक्का। चलिए ज्वाइनिंग को लेके किस किस नेता की, स्थानीय नेता की आपकी भूमिका रही है, किसने सपोर्ट करने का कार्य किया कि आपको बीजेपी में जाना चाहिए, आपने बात रखी हो, किस किस नेता को श्रेय देना चाहेंगे आप? नहीं मैं सब मिला हूँ मैं सब नेताओं से, लेकिन मैंने आवेदन लखनऊ पार्टी कार्यालय किया था और वहां से मान लो जिला अध्यक्ष जी ने रिकमेंडर किया, मान लो ठीक है। तो वैसे तो मैं माननीय विधायक जी से भी मिला हुआ हूँ, किरत चौधरी से, सांसद से भी मिला हुआ हूँ, जसवंत सैनी मंत्री जी से भी मिलता रहता हूँ, तो पहले ही तो किसी ने मान लो उसमें वो नहीं की, जो पार्टी ने हाईकमान ने किया तो सबने कहा ठीक है। नगर विकास में क्या पंख लगने का कार्य होगा, विकास कार्यों में किस तरह का विकास कार्य अभी देखने को मिलेगा नगर वासियों को, जो हम भी दे अफजल खान से नगर के विकास के लिए आपको चेयरमैन बनाया गया है? मैंने आपको बताया है विकास में यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी पहले भी, और अब और ज्यादा होगा, क्योंकि कोई योजना सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हमने सब में अपनी आवेदन दे रखा है, और एक अमृत योजना में 1.5 करोड़ रुपया हमारा पास हो गया है, ठीक है नहीं।
और उसके बाद मान लो वंदन योजना है, उसके लिए हमने फाइल दे रखी, शमशान घाट का सौंदर्यकरण है उसके लिए दे रखी, पेयजल की फाइल दे रखी है, जल निकासी की फाइल दे रखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुदान 37 अनुदान 83 की फाइल दे रखी है। तो जितनी योजना, अच्छा एक पार्क की अभी योजना चलाई है सरकार ने 2024 में, तो उसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे, एक अपने यहाँ पार्क बनाने का काम करेंगे, जो शाम को सुबह को लोग मान लो टहलने के, हमारे यहाँ जगह नहीं है, मतलब सिस्टम नहीं है जगह, तो वहाँ जहाँ वहाँ पानी भरा रहता है, लेकिन उसका अच्छे से सौंदर्यकरण करेंगे। पार्क के अलावा अब आप जैसे सत्ता के चेयरमैन हो गए, पार्क के अलावा नगर वासियों को कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो इनको मिल जाना चाहिए था अब तक वो मिलने का कार्य होगा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है कि वो अब पक्का हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ सरकार भेदभाव की बात तो कर ही नहीं रही, जो मेरे प्रोजेक्ट है वो पहले ही ऑलरेडी चल रहे और सबका होना है। जो मुझे मालूम, मेरे मन में यहाँ से था कि मुझे पार्क बनाना है, पार्क की योजना सरकार ने चला दी, ठीक है। और रही बात बाकी और सब विकास कार्य, आप जानते हैं मैं 2012-17 तक चेयरमैन रहा, तो हर चीज़ का मुझे ज्ञान है कि सरकार क्या कर सकती है मेरी मदद, जितनी भी मदद। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग अगर इस चीज़ को सोच रहे कि सत्ता में इसलिए गए कि मान लो सर फंड मिलेगा, फंड ऑलरेडी पहले से ही मिल रहा है, वो कोई मायने नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मायने इस चीज़ के हैं कि जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने मेरे साथ विश्वासघात करा और जिस पार्टी ने मेरी मदद की, मदद की मैं आपको बात बताऊं कि उस टाइम पे एक तत्कालीन अधिकारी थे जिले में बीएसपी के, जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, ये पैसे के बाहुबली लोग हैं, इनके पास अथा संपत्ति है और ये उसी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं तो जो अधिकारी थे उनको मिसगाइड करने का काम किया, 232 के अंतर से चुनाव में जीत भी गया, 1 घंटे मेरा रिजल्ट रोक का रहा। तो जब मैंने मान लो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी से, मंत्री जी से अपनी बात कही, तो उन्होंने ईमानदारी का फैसला करने का काम किया। तो जिसका एहसान हो तो उनको तो कभी वो धोखा नहीं देना चाहिए, उतारना चाहिए है। तो मेरा तब से ही मन ये था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना। चुनाव के दरमियान जो है नगर परिसीमन की बात चल रही थी कि आप चाहते हैं नगर परिसीमन होना चाहिए क्योंकि अब सत्ता के चेयरमैन है, उसका कुछ लाभ मिल सकता है आपको? नहीं, नगर परिसीमन सीमा विस्तार तो अच्छी चीज़ है, विकास होना चाहिए। आज देहात गाँव में है, मान लो गाँव देहात में है, फंड गाँव का कम हो और जी मान लो सीमा विस्तार होना चाहिए, मैं तो उसके पक्ष में हूँ। क्योंकि जितना भी मान लो सीमा विस्तार होगा, सरजी योजना के अंतर्गत 2-3 योजनाएं अलग ऐसी चल रही जो सरकार ने सिर्फ उन नगर पंचायत को दे रही जिनका विकास विस्तार हुआ है, तो अच्छी बात है। मान लो वे लोग पानी की समस्या से, सड़कों की समस्या से गाँव के लोग जूझ रहे, तो वे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपका कोई प्रयास रहेगा? हाँ, प्रयास रहेगा, उसका प्रस्ताव करके भेजेंगे। आपके बीजेपी में आए हैं, क्या बीजेपी में गुटबाजी बढ़ेगी तो उसको कैसे मैनेज करेंगे अफजल खान? ऐसा है, देखिए मैं किसी से अपनी गुटबाजी नहीं मानता। मैं इस कस्बे का मान लो चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी चेयरमैन है, तो जितने भी लोकल नेता हैं, जो भी नेतागण हैं, कुछ लोग तो मेरे से मिलने आ गए, कुछ जो घर बैठे हैं, तो उन सबके मैं घर जाके उनसे बात करने का काम करूँगा। बाकी उसके बाद उनका मन क्या है क्या नहीं उनके मन में है वो तो वो जानते हैं, लेकिन मैं सबसे मुलाकात करूंगा जितने हमारे यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, और उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनने का काम करूंगा और आप सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। जय भाजपा, तय भाजपा और अब हमेशा भाजपा। बेबाकी से बातचीत करने के लिए अफजल खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।